Welcome guys, today I am talking about the conditional sentence. आज मैं conditional sentence के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और ये बहुत ही important है आपके लिए. अब conditional sentence क्या होता है? जो conditions बतलाता है, इसमें clause होते हैं. एक subordinate clause होता है, दूसरा main clause जिसे हम बोलते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं और मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. तो चलिए लेट अस गो टू स्टार्ट. हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिगिन करें तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में. देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. तो कंडीशनल सेंटेंस थ्री टाइप्स के होते हैं. पहला, जैसे हमने आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी नोट कर दिया है, प्रोबेबल कंडीशन, जिसे हम ओपन कंडीशन भी बोलते हैं. प्रोबेबल, जिसकी जो पॉसिबिलिटी है फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्शन की पॉसिबिलिटी है और वह काम आप कर सकते हैं, संभावना 99% है अगर आप जो हार्ट एंड सोल उसे करेंगे. तो जो बिगनिंग होता है एससी क्लॉज से, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सेंटेंस बिगिन करेगा, तो प्रोबेबल कंडीशन है, इसे हम ओपन कंडीशन भी बोलते हैं गाइस. तो ये क्लॉज हम शुरू करते हैं. इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे. यदि तुम मेहनत करोगे, ध्यान देने की बात है कि इफ इज नेवर फॉलोड बाय सेल और विल. जो इफ क्लॉज के साथ सेल और विल का कभी प्रयोग नहीं होता. तो आप जब उसका ट्रांसलेट करेंगे, जब आप बोलेंगे तो जैसे तुम घर जाओगे तो मेरे लिए किताब लाओगे, इफ यू गो होम यू विल ब्रिंग अ बुक फॉर मी. तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ये ओपन कंडीशन है जिसे प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट होता है इफ के साथ. और बाद में जो हम कॉमा मॉडर्न इंग्लिश में नहीं देते, एंशंट इंग्लिश में कॉमा का यूज होता था. तो यू विल सक्सीड और यू विल गेट सक्सेस, यदि तुम मन से पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी. इफ यू वर्क हार्ड या इफ यू रीड सीरियसली, इफ यू रीड बाय हार्ट यू विल गेट सक्सेस. बहुत तरह से तरीके हैं, इस तरह से मैंने अनुवाद भी दिया है, जैसे आप करो. ये हमने लगाया है, यदि वर्षा हो गई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा. आप इसे कैसे बोलोगे, बोल के दिखाओ. यदि वर्षा होगी तो मैं बताता हूँ, इफ इट रेन आई वोंट गो आउट. विल नॉट का जो स्पोकन इंग्लिश में वोंट होता है, आई वोंट गो आउट साइड. यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे. तो ध्यान दीजिए, करोगे ट्रांसलेशन इफ क्लॉज के साथ हम फ्यूचर में कभी भी नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आएंगे. तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल. क्लियर है? यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा. तो ऐसे ही इफ आई गो टू आगरा आई विल विजिट द रेड फोर्ट, आई विल विजिट द ताजमहल. ताजमहल है तो हमने लगाया, हिस्टोरिकल प्लेसेज है. यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा. तो इफ आई गो टू आगरा आई विल विजिट द ताजमहल. अब नेक्स्ट है, यदि वह खाना बनाएगी तो उसका पति उसे प्यार करेगा. मार्केबल है, ध्यान दो. यदि वह खाना पकाएगी, इफ शी कुक्स फूड, देन नहीं लगाना है, इफ के बाद देन नहीं लगता. इफ शी कुक फूड हर हस्बैंड विल लव हर. तो गाइस, बहुत से लोग हस्बैंड होता है, करेक्ट साउंड हस्बैंड नहीं, अगर सिस्टर्स, ध्यान दो. अगर जो हस्बैंड को आप हस्बैंड अगर आप बोलोगी तो आपके जो हस्बैंड है हंस हंस करके आपका बैंड बजाएंगे. तो इसलिए और जो सिस्टर से रोती है कि मेरा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि वो हस्बैंड बोलती है. हस्बैंड मत बोलो यार, जो हंस हंस करो बैंड बजा देंगे आपका. तो
चलिए हस्बैंड होगा फैक्ट फ्रॉम आगे देखो, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं भारत से गरीबी मिटा दूंगा। तो जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसका आप ट्रांसलेशन करोगे जो सिंपल प्रेजेंट में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है मैं भारत से गरीबी मिटा दूंगा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसका ट्रांसलेशन आप फ्यूचर में करोगे। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया I will eradicate poverty from India. तो इसके साथ will का प्रयोग होता है, I will eradicate poverty from India. Guys clear है? तो जो आपने देखा ये प्रोवेबल कंडीशन है, इसे हम ओपन कंडीशन भी बोलते हैं। यह जो किसी भी जो वर्क की फुलफिलमेंट होने की संभावना होती है, यदि हम मन से मेहनत करें तो सफलता मिलेगी, ये 100% श्योर है, ट्रुथ है, वेरासिटी है। अब क्लियर है? सेकेंड है इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन। ये इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, ये हमारी इच्छा कभी पूर्ति नहीं हो सकती, केवल हम इट इज ओनली द इमेजिनेशन और सपोजिशन ऑफ आवर माइंड। तो हमारे माइंड की यह कल्पना है या इमेजिनेशन है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ओपन इंग्लिश में कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू माई लव। ये देखो गाइस, यहाँ सिंपल पास्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, और सिंपल क्लॉज में भी सिंपल पास्ट ही है। तो बिल्कुल है कि यदि मैं चिड़िया होता तो मैं अपनी प्रेमिका के पास उड़ के चला जाता। तो ये नॉट पॉसिबिलिटी, ये इमेजिनेशन है, सपोजिशन है केवल। तो इसमें सिंपल पास्ट है, इसके साथ सब्जेक्ट लगाओ, ऑफ का सेकेंड फॉर्म लगाओ प्लस जो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो उड के बाद ऑफ का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड्स आपको उठा के रख देना है। तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू माई बिलव्ड, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आपके पास उड़कर चला जाता, यह एक इमेजिनेशन है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका ट्रांसलेशन भी दिया है, यदि इस कमरे में भूत आ जाए तो सभी भाग खड़े हो जाए, कैसे करोगे गाइस? मैं बताता हूँ, इफ ए गोस्ट अपीयर्ड इन दिस रूम ऑल वुड फ्लाई अवे, तो सभी मतलब भाग खड़े हो जाएंगे, फ्ली अवे, रन अवे हम भी बोल सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री बनूं तो देश से भ्रष्टाचार मिटा दूं, यह क्या है? इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन, एक जस्ट लाइक इमेजिनेशन है। तो यदि मैं प्रधानमंत्री बनूं तो आप कैसे करोगे? देखने में यह हिंदी में फ्यूचर लगता है, टेंस लगता है, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल एक सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट में ही होगा। तो यदि मैं प्रधानमंत्री बनू, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, देश से भ्रष्टाचार मिटा दूं, आई वुड रिमूव पॉवर्टी और आई वुड इराडिकेट करप्शन, नॉट पॉवर्टी गाइस, एक्सक्यूज मी, आई वुड इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री। अब नेक्स्ट देखिए इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, इच्छाएं बन के ही रह गई, तो इसे अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं, अनफुलफिल्ड, जिसकी कभी पूर्ति हो नहीं सकती है। ठीक है, तो जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड, ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, इफ के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्रिंसिपल क्लॉज में यू के बाद वुड हैव भी लगाना मत भूलने दीजिए, वुड हैव उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वुड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिए या अदर वर्ड्स जो भी आते हैं। इस तरह से ये इम्पॉसिबल कंडीशनल है, अनफुलफिल्ड डिजायर है। अब सभी तुम मेहनत किए होते तो तुम सफल हुए होते, यदि तुम मेहनत किए होते तो सफल जरूर हुए होते। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हुआ होता तो गरीबी
बिता दिया होता है तो कैसे बनेंगे इफ आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव रिमूव्ड पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया तो इस तरह से ये सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे यदि मैं हिंदी गया होता तो लाल सिरा लिखा होता तो बिल्कुल गाइस ये फॉर्मूला लगाना है तो यदि मैं दिल्ली गया होता इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव बीन विजिटेड द रेड फोर्ट तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन है प्रैक्टिस में एक्सएमएल परफेक्ट मैं बार बार करता हूँ कि इसे अभ्यास करिए जो कंडीशनल सेंटेंस आज मैं लेकर आया हूँ ये देखिए यदि तुम परिश्रम किए होते तो आईएएस हुए होते तो इसी का अनुवाद इस फॉर्मूला पर आप करिए यदि तुम परिश्रम किए होते इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव बीन एन आईएएस ऑफिसर तो तुम आईएएस ऑफिसर बने होते तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो क्योंकि लाइक तो यार बहुत जरूर बनता ही है अब आगे हम और भी चर्चा करते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस बहुत है ये तो मेन है आप नोट करते चलिए जो देखिए कि यदि बारिश हो तो छाता ले लो तो हर जगह हम इफ नहीं लगाएंगे अगर हम इस तरह से बनाते हैं इफ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला तो यह पुअर इंग्लिश है करेक्ट इंग्लिश हम नहीं बोल सकते तो यदि बरसा हो तो छाता ले लो तो उनका अनुवाद यदि बारिश हो तो छाता ले लो तो इन केस का यहाँ ट्रांसलेशन होता है ये भी कंडीशनल में आता है तो जब भी तुम बीमार पड़ो तो दवाई खाओ तो टेक मेडिसिन इन केस यू फॉल इन ठीक है तो इस तरह से आपने देखा कि इन केस का प्रयोग जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे भी हम चर्चा करेंगे अनलेस ऑलरेडी ये नेगेटिव है कनेक्टिव है तो अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट अनलेस मीन्स इफ नॉट यदि नहीं तो यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है यू वोंट गेट सक्सेस तो अनलेस यू वर्क हार्ड देखो अनलेस यू वर्क हार्ड जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी तो अनलेस गाइस ऑलरेडी नेगेटिव है दोनों तरफ नेगेटिव है यू वोंट गेट सक्सेस यहाँ अनलेस इफ नॉट होता है तो इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट गेट सक्सेस तो इस तरह से बहुत हम बना सकते हैं अनलेस के दूसरा है provided that मैं तुम्हें रुपये तभी दूंगा बशर्ते तुम इसे लौटा दो तो आप कैसे बनाओगे इसे provided that I will lend you money provided that you return on time तो जब तुम समय पर पैसे लौटा दोगे तभी मैं पैसे दूंगा तो यहाँ provided that मतलब जो होता है बशर्ते होता है इस तरह से अब दूसरा देखो नेक्स्ट यदि तुम एक बार डिसीजन लो
अभी तुम एक बार डिसीजन लो तो स्टिक रहो। तो यहाँ वंस का हम यूज कर सकते हैं, वंस यू टेक डिसीजन, वंस यू टेक डिसीजन स्टिक टू इट। तुम एक बार फैसला लो तो इस पर अडिग रहो, स्टिक मतलब अडिग होता है। तो वंस यू टेक डिसीजन स्टिक टू इट। तो इस तरह से मैंने आपके लिए ये बताया कंडीशनल सेंटेंस का अंतिम है। और जैसे हमने आपको पहले तीन बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, उसे आप लाइक तो आप करिए मेरे चैनल वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह का जो विजडम है, नैक एंड नॉलेज है, इस तरह का इंट्यूशन है, आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है इंग्लिश लिटरेचर का। मैं आपको हर जो वीडियो में आप प्रत्येक वर्ड का हिस्ट्री बताता हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बतलाता हूँ, कोई टिप्स देता हूँ। तो आपका भी हक बनता है कि इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सी यू अगेन माई गाइज़।